इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूआईटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के अंदर और यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए इनके प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका और किस डिपार्टमेंट में? अफरा नासिर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। आशिर हसनैन अली और कंप्यूटर सिस्टम्स। अली मोहम्मद और इलेक्ट्रॉनिक्स। उमर सिद्दीकी, पावर इंजीनियरिंग। ओके, क्या प्रोजेक्ट है आप लोग का और किस बेस पर आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया? बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है मटेरियल हार्डनेस टेस्टर। ये इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसका नाम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल शिप्स हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट कार्स के पार्ट्स हो गए, हम उसकी हार्डनेस टेस्ट करते हैं कि ये कितना ज़्यादा प्रिसाइज है और कितना ज़्यादा हेल्दी है और आगे जाके स्टेबल है या नहीं है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। थोड़ा सा करके दिखाएंगे आप लोग। ये हमारा बेसिकली एक प्रोटोटाइप है, हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक वुडन पीस है, इसको हम इसी हार्डनेस टेस्ट करनी है। तो ये हमारा इंडेंटर है, इसके अंदर हमारी फोर्स सप्लाई होती है और वो इंडेंट करके बताती है कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है। ये हमारा इनपुट, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज इनपुट करते हैं, यानी हम डिफरेंट जैसे टाइम और लोड वगैरह में कितना फोर्स करनी है वो हर मटेरियल की डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से इसको हमने स्टार्ट करा, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, रॉकवेल भी होती है, तो हमारा जो है वो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर है, यानी सॉफ्ट मेटल्स के लिए यूज़ होता है, सॉफ्ट मटेरियल। अच्छा, इसके अंदर हमने इसका लोड और टाइम हमने सेट कर दिया, इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा इंडेंट करना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये इंडेंट कर रहा है, अब आप एलसीडी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे इसकी इंडेंटेशन स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लोड के फोर्स जो हमने अप्लाई करी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होने स्टार्ट हो गई है। 20 सेकंड के लिए होल्ड करेगी जो हमने इसका अंदर टाइम डाला था, और इसका जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो हमारे पास शो करा देगा कि ये कितने माइक्रॉन्स ट्रैवल करें। ये इसका रिजल्ट आ चुका है हमारे पास। ये बेसिकली हमें बता रहा है कि ये जो हमारे पास पीस है ये हेल्दी मटेरियल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रेट कर बनाया। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी इंडेंटेशन कम होती या ये बहुत ज़्यादा हेल्दी मटेरियल नहीं होता तो इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है, जो हमें बताया था कि ये हेल्दी मटेरियल नहीं है। आप लोगों ने मार्केट सर्वे किया, व्हाट डू यू थिंक, इसका है एक स्कोप है मार्केट में? जी एग्जैक्टली, स्कोप तो है इसका। अगर हम इसका, ये हमारा प्रोटोटाइप है, अगर हम इसको बड़े फॉर्मेट पे लेके जाते हैं तो हम इसकी मशीन इंपोर्ट होती है और उसकी जो कॉस्ट अराउंड 16 लाख होती है, तो अगर हम इसको हम खुद से बना के हम लोकल मार्केट के अंदर लेकर आएँ तो उसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 3 से 4 लाख होगी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको स्कोप है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स में। कमर्शलाइजेशन के हवाले से क्या ख्याल है आप लोगों का? कमर्शलाइजेशन के लिए जो उसका प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको कमर्शलाइज करना चाहें तो हम इसको जैसे होंडा की कंपनी हो गई, इसके अलावा शिपयार्ड्स हो गए, गडानी शिपयार्ड, वहाँ पे यूज़ हो सकता है।